हाय गाइस, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से रमजान की और नवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी खुशी के मौके पर हम लेकर आए हैं आज का वीडियो, जो कि बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, जिसमें हम आपको बताएंगे एक परफेक्ट आइटनरी फॉर फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स इफ यू आर ट्रैवलिंग इन समर्स। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे वो सारी जगह जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप फर्स्ट टाइम दुबई में घूमने के लिए आ रहे हैं और समर्स में आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गो। सो पहले दिन की शुरुआत आप करें स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी से, जो कि आपके होश उड़ा देगी। बहुत ही यूनिक और बहुत ही माइंड ब्लोइंग अट्रैक्शन है विद ग्लास स्लाइड। स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी से यू कैन डायरेक्टली हेड टू IMG वर्ल्ड, जो कि है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंडोर थीम पार्क, परफेक्ट फॉर समर्स, जो कि 12 बजे ओपन होता है। और बिकॉज ये सिटी से थोड़ा बाहर लोकेटेड है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट मेट्रो कनेक्टेड नहीं है, तो आप नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन से टैक्सी ले सकते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। और यहाँ पर आप पूरा दिन अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं। बहुत सारे राइड्स हैं, एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है। बच्चे, यंगस्टर, हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। और समर्स में आने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको किसी भी राइड के लिए घंटों वेट नहीं करना पड़ेगा क्यू में। और IMG वर्ल्ड से आप अराउंड 6:30 वहां से निकल सकते हैं फॉर लामेर बीच, जो कि इवनिंग में बहुत ही वाइब्रेंट और लाइवली होता है। इवनिंग में इस जगह की वाइब बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहां पर काफी सारे कैफेज एंड रेस्टोरेंट हैं और फोटोज के लिए, इंस्टाग्राम पिक्चर्स के लिए परफेक्ट है ये जगह। और इस तरह के हैपनिंग प्लेसेस एंड लोकल बीचेस आपको कोई भी ट्रैवल कंपनी या कोई भी ट्रैवल एजेंट इंक्लूड नहीं करके देगा पैकेज में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रही है। हमने अपने पुराने वीडियोस में जो भी अट्रैक्शंस के टिकट प्राइसेस की कॉस्ट बताई थी, वो आज के टाइम पे वैलिड नहीं है, बिकॉज वो उस टाइम के प्राइसेस हैं, कोविड के टाइम पे। वो वीडियोस काफ़ी पुरानी हैं और इतने टाइम में हर चीज़ का प्राइस इंक्रीज हो चुका है, तो प्राइसिंग के लिए आप हमारी पुरानी वीडियोस को कोट ना करें। और डे टू की शुरुआत करते हैं दुबई हाफ डे सिटी टूर से, जो कि मैंडेटरी है अगर आप फर्स्ट टाइम दुबई आए हैं, बिकॉज ये एक गाइडेड टूर होता है जिसमें वो गाइड आपको दुबई के मेन अट्रैक्शंस और हाइलाइट्स के बारे में बताएंगे और वहाँ लेके जाएंगे, आपको दिखाएंगे। और गाइज, हम सजेस्ट करेंगे कि आप ऑनलाइन वेबसाइट से, पोर्टल से ये टूर ना बुक करें, बिकॉज ओपन बसेज में ये टूर एडवाइजेबल नहीं होता है, स्पेशली समर्स में। तो हम जो टूर प्रोवाइड करते हैं वो क्लोज्ड एयर कंडीशन बस में होता है। देन अपना सेकेंड हाफ आप रखें डेजर्ट सफारी के लिए, जो कि बहुत ही मेन अट्रैक्शन है दुबई की। ये वन ऑफ द मेजर एंड बेस्ट अट्रैक्शन है दुबई की, विद लॉट ऑफ एडवेंचर एंड एंटरटेनमेंट। तो इस अट्रैक्शन को आप भूल के भी मिस ना करें और अपनी आइटनरी में ज़रूर इंक्लूड करें। और डे थ्री की शुरुआत करें आप म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर से, जो कि दुबई की वन ऑफ द लेटेस्ट अट्रैक्शंस में से। और इसके ऊपर हमने एक पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसमें हमने इसका पूरा इनसाइड टूर दिया है, तो वो वीडियो देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इसका टिकट लेके अंदर जाना चाहते हैं या नहीं, बिकॉज नॉट एवरी वन इज अ म्यूजियम पर्सन। बट बाहर से तो आप जरूर विजिट करें और फोटोज लें, बिकॉज ऐसी बिल्डिंग आपको दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलेगी। ऑल्सो नोट कि इसकी टिकट आप ऑन द स्पॉट काउंटर से नहीं ले सकते, बिकॉज ये मोस्टली सोल्ड आउट ही होता है, तो आपको एडवांस में बुकिंग करानी पड़ेगी। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के बहुत ही पास है दुबई मॉल, जो कि आप मेट्रो से भी जा सकते हैं और टैक्सी से भी जा सकते हैं। और दुबई मॉल भी दुबई की एक वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस में से है। और यहाँ पर दुबई एक्वेरियम, अंडर वाटर जू और बुर्ज खलीफा दोनों ही टॉप अट्रैक्शंस लोकेटेड हैं। सो आपका आधे से ज़्यादा दिन तो दुबई मॉल में ही निकल जाएगा। वहाँ पर फूड कोर्ट है, आप लंच कर सकते हैं, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो शॉपिंग कर सकते हैं। और अगर आपके पास ऑलरेडी टिकट्स हैं तो आप बुर्ज खलीफा एट द टॉप का टूर कर सकते हैं एंड दुबई एक्वेरियम को अंदर से जाके देख सकते हैं और शाम को फाउंटेन शो एंजॉय कर सकते हैं। एंड अराउंड 7:30 to 8 आप निकल सकते हैं अपनी डाउ क्रूज टूर के लिए, जो कि 8:30 to 10:30 दो घंटे की होती है विद बुफे डिनर। तो गाइस, आप में से जो लोग नहीं जानते उनके नॉलेज के लिए हम बता दें कि हम UAE के लिए होटल्स, फ्लाइट्स, वीज़ा, ऑटो सभी कुछ प्रोवाइड कराते हैं बहुत ही कम प्राइस पे। तो अगर आप भी दुबई आने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। तो गाइस, लास्ट डे का फर्स्ट हाफ हमने रखा है आपकी शॉपिंग के लिए, और शॉपिंग के लिए हमने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, जिसमें कि हमने आपको डिफरेंट चीज़ों की शॉपिंग के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो अगर आप स्पेसिफिकली सिर्फ गोल्ड की शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं कि आप गोल्ड सूक में जाकर कहाँ से बेस्ट प्राइस पर गोल्ड ले सकते हैं।
और गोल्ड के अलावा अगर आप जनरली शॉपिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने एक दूसरा वीडियो बनाया जिसमें हमने बताया कि आपको दुबई से क्या क्या लेना चाहिए और वो चीज़ें आपको कहाँ पर बेस्ट प्राइस पर मिलेंगी, तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो अपने आधे से ज़्यादा दिन शॉपिंग पे स्पेंड करने के बाद शाम में अराउंड 4:30 to 5 आप जा सकते हैं JBR बीच, जो कि बहुत ही हैपनिंग और पॉपुलर बीच है। ये एरिया आपको काफ़ी यूरोपियन वाइब देगा, ये बहुत ही कूल और हैपनिंग प्लेस है दुबई का। और इसी के ऑपोजिट लोकेटेड है ब्लू वाटर्स आइलैंड, जहाँ पर एन दुबई लोकेटेड है। और इवनिंग एकदम परफेक्ट टाइम है JBR बीच से एन दुबई के साथ फोटो लेने के लिए। JBR से आप जा सकते हैं मरीना वॉक, जहां पर ये ट्विस्टेड टावर वाली बहुत पॉपुलर और बहुत ही यूनिक बिल्डिंग लोकेटेड है। आप चाहें तो मरीना पे यॉट टूर भी बुक कर सकते हैं, बट वो आपको प्री बुक करना पड़ेगा, या फिर मरीना में भी डाउ क्रूज चलती है, तो आप चाहें तो अपना डाउ क्रूज मरीना वाला भी बुक कर सकते हैं, बट मरीना डाउ क्रूज अलसीफ और क्रीक डाउ क्रूज से महंगी होती है। और अगर कुछ बहुत ही सस्ता ऑप्शन चाहिए तो RTA वाली बोट 5 दिरहम के अंदर आप बुक करके वहां पर ले सकते हैं। और गाइज, ये है हमारी वेबसाइट जहां से आप दुबई के लिए पैकेजेस बुक कर सकते हैं। हम बहुत ही बेस्ट प्राइस पर दुबई के लिए, अजरबैजान के लिए और डिफरेंट कंट्रीज के लिए पैकेजेस प्रोवाइड कराते हैं। और हमारी आइटनरीज में लोकल सारी कूल और हैपनिंग प्लेसेस इंक्लूडेड होती हैं, जो आपको और कोई भी कंपनी इंक्लूड करके नहीं देगी। और गाइज, ये है हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल, जहां पर आप हमें जरूर फॉलो करें, बिकॉज हम वहां पर हर जगह के बहुत ही इन्फॉर्मेशनल और यूजफुल ट्रैवल टिप्स देते हैं, और हर टॉपिक पे शॉर्ट कंटेंट बना के हम इंस्टाग्राम रील्स में शेयर करते हैं, जो कि आप लोगों के लिए सिर्फ एंटरटेनिंग ही नहीं बहुत ही हेल्पफुल भी होगा। और गाइस, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो देख के बहुत ही मजा आया होगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर्स हैं तो आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल वीडियो होगी। नाउ यू नो कि आपका डे वाइज प्लान क्या होने वाला है और किस तरह से आपको अपने एक एक दिन में कौन कौन सी जगहें घूमनी है और कैसे घूमनी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारी दुबई ट्रैवल गाइड वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर लोकल खाना, कैसे घूमना है, क्या खाना है, बजट में कैसे पूरे दुबई में ट्रैवल करना है, एक्सप्लोर करना है, वो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो पाए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कंसीडर सब्सक्राइबिंग, ताकि हम इस तरह के बहुत ही यूजफुल इंफरटेनिंग वीडियोस बनाते रहें। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे, अंटिल देन टेक केयर, बाय 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 बाय। कैसे बाय।